हेलो व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं अक्क महादेवी का कविता के प्रश्नोत्तर। इसमें लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां कहाँ बाधक होती हैं, इस संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। पहला प्रश्न ये है, पहले प्रश्न का उत्तर बता दे रही हूँ। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां निश्चय ही बाधक होती हैं। इंद्रियों का काम है स्वयं को तृप्त करना, वे मनुष्य को निश्चित लक्ष्य की ओर जाने नहीं देती हैं। जब मनुष्य अपने लक्ष्य पथ पर कदम बढ़ाता है तो इंद्रियां उसे स्वार्थ सुख में भटका देती हैं और उसे ललचा देती हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में तो इंद्रियाँ शत्रु का कार्य करती हैं, ये साधक को संसार में उलझा कर रखती हैं तथा प्रभु की ओर बढ़ने नहीं देती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वो चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवयित्री ने समस्त संसार को प्रेरणा दी है कि वह इस जीवन का लाभ उठाए। यह जन्म ईश्वर आराधना के लिए है, शिव आराधना के लिए है, अतः समय रहते उन्हें इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। या वचन कविता में कवित्री ने ईश्वर को जूही के फूल के समान क्यों कहा है, ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है, दोनों में कुछ समानताएं हैं। जूही का फूल कोमल होता है, सुगंधित होता है, प्रसन्नतादायक होता है, ईश्वर भी दयालु होता है, पवित्र होता है और आनंदमय होता है। प्रश्न है, अपना घर से क्या तात्पर्य है और इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। उत्तर है, अपना घर से यहाँ अभिप्राय हमारा स्वार्थमय संसार, अपना निजी जीवन, व्यक्तिगत सुख दुख और लाभ हानि। कवित्री चाहती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के बंधनों को तोड़े, तभी वह ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो सकता है। अपने घर को छोड़कर ही ईश्वर के घर में कदम रखे जा सकते हैं। प्रश्न है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों। दूसरे वचन में ईश्वर से यह कामना की गई है कि उसका सांसारिक सुख नष्ट हो जाए, यहाँ तक कि उसे पेट भरने के लिए भीख मांगकर गुजारा करना पड़े, भीख में मिलने वाला अन्न भी तरसा तरसा कर मिले। कवयित्री चाहती है कि इस प्रकार उसका अहंकार नष्ट हो और वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। समर्पण के लिए अहम का गलना आवश्यक है। प्रश्न है, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। उत्तर है, किसी कवयित्री या कवि को उसकी एक दो कविताओं के आधार पर बहुत बड़ी उपाधि नहीं दी जा सकती है, परंतु यदि हम मीरा और अक्क महादेवी के इन वचनों की तुलना करें तो कहा जा सकता है कि अक्क महादेवी की कविता के भाव मीरा से मिलते जुलते हैं। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, उसने अपने जीवन में केवल कृष्ण को ही अपना लिया था, वे पूर्ण समर्पिता थीं। अक्क महादेवी शिव की भक्त है, वे भी सांसारिकता त्यजकर उसी में लीन होना चाहती हैं, वे ईश्वर के सम्मुख पूरी तरह समर्पित होना चाहती हैं। प्रश्न है, कवयित्री भूख प्यास नींद आदि से क्यों बचना चाहती है। उत्तर है, अक्क महादेवी मानती हैं कि मनुष्य भूख प्यास और नींद के कारण ही संसार में उलझ जाता है, इनके कारण वह अपने प्रभु से दूर हो जाता है। जब तेज भूख और प्यास सताती है तो प्रभु बहुत याद आते हैं और इस तरह आराधक प्रभु से मिलने के लिए ललक उठता है, फिर रोज रोज रोटी पाने की ललक उसे संसारी जीव बना डालती है। इस प्रकार वह अपने जन्मदाता प्रभु को ही भूल जाता है। प्रश्न है, कवयित्री क्रोध मोह लोभ मद ईर्ष्या को क्यों धुत्कारती है। कवयित्री कहती हैं कि क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या आदि मनोभाव मनुष्य को संसारी बना डालते हैं, मोह और लोभ उसे अपनी ओर लुभाते हैं, तो क्रोध ईर्ष्या मद आदि विकार अन्य सांसारिक लोगों से तुलना पैदा करके उन्हें संसार में उलझाते हैं। इस कारण हमारा जन्मदाता प्रभु हमसे दूर हो जाता है,
इस कारण वह इन सांसारिक विकारों को दूरकारता है। प्रश्न है, कवित्री स्वयं को निरीह और बेचारा क्यों बनाना चाहती है? कवित्री का मानना है कि दुख में सुमिरण सब करें, सुखमय करे न कोई। सुख में मनुष्य संसार में खो जाता है, अतः कवित्री स्वयं को अभावों और दुख में रखना चाहती है ताकि उसे हर पल प्रभु की याद बनी रहे और वह अपने प्रभु से प्रार्थना करने को विवश हो जाए।